इकलौता टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है जो कि आपका सबसे बड़ा है विश्व का, ऑर्नामेंटेड ये सब फ्लोरल डिजाइन वाले टॉयलेट बने और ज्यादा खाली है तो फिर पहले पर्सन है जो अपने थ्रोन के नीचे टॉयलेट बना के ही, और थ्रेशर को वो लोग क्या करते थे कि गेम खराब ना हो इसीलिए वो सोफे का कवर उठा के वही बाल्टी में। लोग आते हैं तो काफी लोग बोलते हैं ये तो प्रिंटर है, मैंने बोला आप इसको खोलिए, आप इस नेचर कॉल को हम कैसे कंट्रोल करें। सो आई गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम ट्रैवलिंग पाजी, और ये जो है आज की वीडियो जो है चैनल की फर्स्ट वीडियो होने वाली है, और मैंने सोचा कुछ तड़कता भड़कता करते हैं, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग करते हैं। ये जो ट्रैवल बनने वाला चैनल होने वाला है, वैसे तो मेरा एक और चैनल है फूड वाला चैनल, वेजिटेरियन फूड चैनल, वेजी बाजी के नाम से, आपको शायद पता होगा, आपने कोई ना कोई वीडियो तो देखी होगी। बट ये जो ट्रैवलिंग वाला चैनल है इसमें हम लोग ट्रैवल करेंगे अलग अलग सिटीज़, अलग अलग जगहों पर जा जाके यूनिक यूनिक चीज़ें दिखाऊंगा आपको घूमने के लिए और बस इंजॉय करने के लिए। आज जिस जगह पर हम लोग जा रहे हैं वो है टॉयलेट, वॉशरूम, शौचालय। सुलभ जो है, अगर आप दिल्ली में ट्रैवल करें हैं, कभी भी मेट्रो में ट्रैवल करें हैं, सुलभ एक ऐसा नाम है आपने सुना होगा, कभी ना कभी आपको ज़रूरत पड़ी होगी। तो आज हम लोग जा रहे हैं सुलभ के म्यूज़ियम में, आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा क्या बताऊँ, मतलब कैसी कैसी नीड है लोगों की। तो आज बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले वीडियो, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करी तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोगों का इनिशियल सपोर्ट चाहिए। आप लोगों ने वेजी बारी वाले चैनल पे बहुत सपोर्ट दिया, अब आपका सपोर्ट यहाँ पे चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन आइकन दबा दो, उससे क्या होगा क्योंकि इस चैनल पे अब दबा के वीडियोस आने वाली है बहुत ज़्यादा, दिल्ली मुंबई पता नहीं कहाँ कहाँ की आने वाली है। तो वीडियो लाइक नहीं करते वीडियो लाइक कर दो, कोई बढ़िया सा कमेंट करके वीडियो स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1। तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो लोकेशन लिंक्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में होंगे, एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में होंगे। वैसे तो ये जो सुलभ म्यूज़ियम है ये पड़ता है पालम में, पर जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है दशरथपुरी, मैजेंटा लाइन पे है, तो उसके भी आपको लोकेशन लिंक्स डिस्क्रिप्शन में पड़ेंगे। 2-3 घंटे निकाल के आइए बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, बट वो नहीं कर सकते आप यहाँ पे कि कर सकते हैं पता नहीं, वहाँ जाके पूछना पड़ेगा। आप लोगों का स्वागत है इस अनोखे म्यूजियम में, और अपने आप में ये विश्व का इकलौता म्यूजियम है जो टॉयलेट के ऊपर है। आपने कई म्यूजियमों के बारे में सुना होगा, जैसे डॉल म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम, रेल म्यूजियम। क्या कभी आपने सभी सोचा था कि हमारे लिए टॉयलेट म्यूजियम भी बनेगा? वो सपना भी पूरा किया डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने इस म्यूजियम की स्थापना 1992 में करके, और उनका एक मेन मकसद था कि लोगों को अवेयर करवाना अबाउट टॉयलेट और सैनिटेशन, क्योंकि हम इंसान खाने की तो बड़े शौक से बात करते हैं पर पैखाने की हम लोग बात नहीं करना चाहते, जबकि ये उतना ही जरूरी है जितना खाना जरूरी है। तो हम लोग खाते वक्त ये सब बातें नहीं करते, नहीं करना, जैसे मतलब कोई भी अगर जैसे फ्रेंड्स या फैमिली कुछ बात कर लेना तो ऐसे लगता है कि अभी तो खा रहे, अभी ये सब बातें क्यों कर रहे, मत करो। और ये विश्व में अपने आप में इकलौता टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है जो कि आपका सबसे बड़ा है विश्व का, अपने आप में ये पंढरपुर महाराष्ट्र में है। सो इस टॉयलेट कॉम्प्लेक्स में लगभग 2,850 टॉयलेट हैं, और इस कॉम्प्लेक्स को मोर देन 2 से 4 लाख तक लोग यूज करते हैं डेली बेसिस में, डेली बेसिस। सो विश्व में अपने आप में ये इकलौता टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है जो सबसे बड़ा है अभी तक का। मतलब जैसे आप जाके रेस्टोरेंट्स में अलग अलग जाके खाते हैं कि मेरी विश लिस्ट है मैं यहाँ जाके खाऊं, तो ये भी आपकी एक विश लिस्ट होनी चाहिए, यहाँ जाके पचाऊं। अभी ये सेक्शन जो है बहुत ही लग्जीरियस, आप कह सकते हैं फैसिनेटेड सेक्शन है, क्योंकि ये जो पीरियड है 18 से 19 शताब्दी का पीरियड यूरोपियन सेक्शन है। इस समय यूरोप के लोग काफ़ी अमीर हो चुके थे, टॉयलेट में भी इन्वेस्ट किया। आप देखेंगे इस तरह से ऑर्नामेंटेड ये सब फ्लोरल डिज़ाइन वाले टॉयलेट बनना है, ठीक है, ये लोग उसको यूज करते थे टॉयलेट के लिए, क्लीन करने के बाद वो शोकेस में रख देते थे। तो फॉर डेकोरेशन ऑल्सो दे आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ टॉयलेट। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो है सो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपका लॉयन पेडेस्ट्रियल टॉयलेट है, तो आप देखेंगे आगे लॉयन बना हुआ है। तो ये ऑस्ट्रिया में यूज होते थे ये सारे पॉट्स, तो ये जैसे था घर के कॉर्नर में रहता था, जैसे टॉयलेट के लिए यूज करना तो आप बैठ के डेफिकेट कीजिए, बाद में सर्वेंट आके उसको मैनुअली क्लीन करता था। अच्छा। और फिर उसको वॉश करके यहाँ पे फ्लावर पॉट रखता था, यूज करते थे हंटिंग और पिकनिक पर्पज के लिए, पोर्टेबल होता था अपने साथ ले जाते थे। अब मल्टीपर्पज किस लिए है? मल्टीपर्पज इसलिए है कि आप इस पर बैठ सकते हो, ताश खेल सकते हो, खाना रख के खा सकते हो, और ज़्यादा खाली है तो फिर उठा सकते हो, ये आपका मल्टी पर्पज होता था। तो एक टेबल है और कई सारे काम है। जब कुछ अच्छी चीज़ें नहीं दिखा रहे आप, मतलब यहीं पे पिकनिक बन रही है, यहीं पे सैंडविच पड़े हैं और यहीं पे
क्यों? और अगर आप थोड़ा सा ध्यान फरमाएंगे तो ये इंडियन टॉयलेट है। और ये क्या है सिंहासन? ये सर थ्रोन टॉयलेट है, जैसा आपको दिख रहा है कि राजा महाराजा का सिंहासन, और ये सच में सिंहासन है जो कि फ्रांस के राजा लुई फिलिप 14 का सिंहासन था। और इनके बारे में इतिहासकारों का कहना था कि ये जब टॉयलेट जाते थे तो काफ़ी समय लेते थे, 1 से 2 घंटा तक इनका समय टॉयलेट में चला जाता था, व्यतीत होता था। अच्छा। बिकॉज इनको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम थी शुरू से। और इनके बारे में एक और आश्चर्य की बात बताऊंगा कि अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 3 बार स्नान किए थे, एक जब पैदा हुए थे, दूसरा जब इनका शादी हुआ था, और तीसरा जब मरे थे। तो ये पहले पर्सन है शायद जिन्होंने 3 ही बार स्नान किया है, और ये पहले पर्सन है जो अपने थ्रोन के नीचे टॉयलेट बना के ही साथ साथ लोगों को लेक्चर भी देते थे। अगर इनके मतलब अगर ये दिवाली होली वगैरह मना रहे होते तो कम से कम साल में 2 बार तो नहा लेते कम से कम। और ये आपको दिखाऊंगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है जो 1920 में अमेरिका के ऑफिस में बाहर यूज होता था, तो वहाँ पे ये डबल स्टोरी टॉयलेट के नाम से जाना जाता था। अच्छा। आप देखेंगे जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ऊपर वाला जो पोर्शन था वो मैनेजमेंट के लिए रिजर्व होता था। ओके। और नीचे वाला इम्प्लॉय के लिए। ठीक। तो आप देखोगे देखने में तो दोनों समान लग रहे हैं। हाँ। ठीक है। पर डिफरेंस कहाँ? डिफरेंस उनके माइंड सेटअप में था। हाँ। तो वो लोग सोचते थे वो सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन में है, वो बॉस टॉयलेट में भी है, भले कष्ट हो, सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा पर जाएंगे। मतलब 18 से 19 सेंचुरी में ऐसे ऐसे वियर्ड वियर्ड टॉयलेट्स भले हैं, क्या बताऊं मतलब। और मैं इस तरह का टॉयलेट WC 4+ सीटिंग टॉयलेट यूज करते थे मोहनजोदारो में, नॉट ओनली मोहनजोदारो, सभी एरिया में। मैं आगे और बताऊंगा। तो ये मोहनजोदारो का पिक्चर है, हमारे पूर्वज लोग इस तरह से टॉयलेट यूज करते थे, को बेसिकली ग्रेट बाथ कहा जाता है। तो मोहनजोदारो में ये आपका एक वाटर रिजर्वायर था जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता था, टॉयलेट है, और जिसको हम लोग मूवेबल टॉयलेट भी कहते हैं। अच्छा। आज प्रेजेंट सिनारियो में हम लोग इसको स्लम लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, और अदरवाइज अगर कोई आप पार्टी या फंक्शन या मैरिज सेरेमनी आउटसाइड मना रहे हैं और वहाँ टॉयलेट की अरेंजमेंट नहीं है तो आप हम लोग को कॉल कर सकते हैं, ये टॉयलेट आपको अरेंज करवा दिया जाता है। ये जो पर्सन है जिनका नाम जॉन हैरिंगटन है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है टॉयलेट इतिहास में, क्योंकि इन्हीं को डब्ल्यू सी जो टॉयलेट है जिसको वाटर क्लोजेट कहते हैं, उनका इन्वेंशन जॉन हैरिंगटन ने 1596 में क्वीन एलिजाबेथ I के लिए किया था। तो ये पिक्चर जो है यूरोपियन कंट्री की पिक्चर है, स्पेशली हॉलैंड की, और इस तरह का ट्रेडिशन ऑल ओवर यूरोप में इस तरह का ट्रेडिशन था। एक्चुअली क्या है सर, 500 से जो 1500 का पीरियड जो है पूरे वर्ल्ड के इतिहास में, विश्व के इतिहास में एक डार्क एज के रूप में माना जाता है। समय भी लोग थे, हटते ही होंगे, बट क्या करते थे लोग, अब यहाँ पे अव्यवस्थित प्रथा स्थान होगी, क्या हुआ, उन्होंने वेस्ट को बाल्टियों में कलेक्ट करना चालू कर दिया, उनके पास टॉयलेट था नहीं तो वेस्ट कलेक्ट करते थे, और रात होते ही वो लोग सीढ़ी से जैसे खिड़की से आपका फेंक दिया करते थे। तो इसके कारण क्या हुआ, इस प्रथा के कारण यूरोप में डिफरेंट तरह की बीमारी है जो स्पेशली 2 ईयर में 1348 to 1358 में बहुत बड़े पैमाने पे बीमारी आई, जिसमें प्लेग और ब्लैक डेथ और जो कॉलरा बोलते हैं वो मेजर एपिडेमिक था, और इन बीमारियों के कारण आधी से ज़्यादा जनसंख्या खत्म हो चुकी थी। ये आमेर फोर्ट का जयपुर 16th century AD ये जो था मुगल आपका किला था, तो यहाँ पे क्या होता था, एक रूम में 8 डेफिकेशन होल बने होते थे, तो 8 लोग एक साथ बैठ के डेफिकेट करते थे, तो बेसिकली सर्वेंट और वहाँ के सोल्जर्स के लिए होता था। चले जो चाइमाई सिटी की है, तो जहाँ हम थाईलैंड जानते हैं कि एक ऐसा प्रांत है जहाँ पे बहुत सारे हाथी हैं, तो इसीलिए वहाँ हाथी क्या करते थे, रोड को गंदा करते थे, टूरिस्ट को प्रॉब्लम होती थी, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, हाथियों को ट्रेंड किया और उनके लिए जगह जगह इस तरह से टॉयलेट का निर्माण किया। ये भी आपका एक टॉयलेट है जिसको सोफा कम टॉयलेट कहते हैं, और ये ब्रिटिश लोग यूज करते थे जैसे कुछ गेम खेल रहे हैं, चेस या कार्ड या कुछ आपका कैसीनो में गेम खेल रहे हैं, और कंटिन्यूस काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल रहा है, और इतना लंबा समय अगर कोई गेम चलता है तो प्रेशर तो नहीं आना है, और प्रेशर को वो लोग क्या करते थे कि गेम खराब ना हो, इसीलिए वो सोफे का कवर उठा के वहीं बाल्टी में कर देते थे, बाद में सर्वेंट आता था उसको क्लीन करता था, सेंट वेंट मार के चला जाता था, बट वो लोग गेम ना खराब करना चाहते। मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ब्रिटिश यूरोपियंस जो थे बहुत आलसी थे, वह आलस के मारे थे। ये एक पर्सन थे जिन्होंने बेसिकली क्या था, जब 1906 में ये रेलवे का जो रेलवे में पहले क्या होता था, सिर्फ एसी क्लासेस में ही टॉयलेट होती थी। ठीक है, उससे पहले आपका नॉर्मल क्लासेस में टॉयलेट नहीं होता था,
तो उन्होंने क्या किया, इस पर्सन ने जब ये ट्रेवल कर रहे थे तो इनको बहुत प्रेशर आया, तो उन्होंने क्या किया, चैन खींच के बाहर की तरफ लोटा लेके गए। तो जब लोटा लेके गए तो अचानक ट्रेन स्टार्ट होने लगी। अब वो पर्सन अपना धोती पकड़ के लोटा पकड़ के भागता जा रहा है, तो उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो उन्होंने क्या किया था, वो गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय, उनको लेटर लिखा कि इस तरह का टॉयलेट हमारे जनरल कंपार्टमेंट में भी होने चाहिए, स्लीपर्स में या दूसरे कंपार्टमेंट में। तो इनकी बात को अहम रखते हुए गवर्नमेंट ने उस समय से लगभग 1906 से आपका ये 1909 से आपका टॉयलेट रेलवे में नेसेसरी कर दिया। और जैसा कि आपने मेरे से क्वेश्चन किया था आरंभ में कि एस्ट्रोनॉटर किस तरह का टॉयलेट यूज करते हैं, तो अभी हम लोग वहाँ आ जाते हैं जो बेसिकली आपका मोस्ट एक्सपेंसिव टॉयलेट है विश्व का। अच्छा। जिसका कॉस्ट $19 million है। तो ये आपका नासा ने टॉयलेट परचेज किया था रशिया से। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है यू वेस्ट के लिए है, एक्सक्रीटा के लिए, और ये सेक्शन जो है यूरिन के लिए है। Okay. तो एक्सक्रीटा आपका उस जाके स्पेस में बहुत ही स्मॉल वो वैक्यूम होके कलेक्ट हो जाता था, और जो यूरिन होता है वो इस यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और उसको वो ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे अभी भी कहीं कुछ कुछ जगह पे होता जी, है। जी जी, जैसे कोई जुड़े हुए बच्चे हैं तो उनके लिए भी इस तरह का टॉयलेट बनाया गया। और एक ये मोस्ट वियर्डेस्ट रेस्टोरेंट है जो आपका ताइवान में है, जिसका मेन थीम है टॉयलेट। सो जो भी यूटेंसिल्स है, जो फर्नीचर है, आप देखेंगे वो टॉयलेट का थीम पे बने हुए हैं। तो सारे बर्तन, सारे फर्नीचर, इवन जो फूड सर्व करते हैं, स्पेशली डेजर्ट जो लास्ट में मिठाई हम लोग मांगते हैं या आइसक्रीम मांगते हैं, वो भी आपका पुप के शेप में करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या आप ऐसे रेस्टोरेंट में खा पाओगे, बिकॉज अगर ऐसे पूप की शेप में डेजर्ट आया मैं मना कर दूंगा, मेरे से नहीं हो सकता। बस इतने से लग रहा है कि ये आपका कैंपिंग टॉयलेट है, ये कैंपिंग या माउंटेनिंग के लिए जाते हैं, तो इस तरह का आप पोर्टेबल टॉयलेट लेके जा सकते हैं जो फोल्डेबल है, वेरी इजी कैरी है, क्योंकि इसका वेट भी आपका 3 से 4 kg से ज़्यादा नहीं है। और इसकी खासियत है सर, इसके बायोगैस जो बायोडिग्रेडेबल बैग, जो ये बैग इसके साथ मिलते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं इन्वायरमेंट के साथ। तो जैसे ये बैग ऑलरेडी यहाँ फिक्स है, यहाँ फिक्स कर सकते हैं, फिर आफ्टर डेफिकेशन आप इसको सील कर दीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए, तो 1-2 महीने के अंदर ये आपका बैग नष्ट हो जाएगा और जो आपका वेस्ट होगा वो मिट्टी में खाद की तरह बदल जाएगा, गुल्लक टाइप का। आप इसमें क्वाइन डालिए, क्वाइन जब तक आपका नीचे नहीं जाएगा जब तक आप फ्लश नहीं दबाएंगे, तो जब ये आप फ्लश दबाएंगे तो यहाँ क्वाइन कलेक्ट हो जाएगा। तो जब एक बच्चा जिसको टॉयलेट के यूज का पता ही नहीं है, जो बच्चा अगर बार बार ये प्रैक्टिस करेगा तो वो जब ओरिजिनल टॉयलेट यूज करेगा तो ही और सी विल नॉट फॉरगेट टू फ्लश वन। डालूं कॉइन? हाँ जी डाल सकते हैं। अब मैं डालता हूँ कॉइन, आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। और ये एक टॉयलेट बकेट है सिंगापुर से, और ये टॉयलेट बकेट है आपका चाइना से। तो जो ह्यूमन स्केवेंजिंग सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व के अन्य प्रांतों में भी थी, तो इसी तरह से सिंगापुर में 1985 तक इसको यूज करते थे वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, और इवन चाइना में भी इस तरह का वुडन बकेट यूज करते थे। और ये आप देखेंगे ये टॉयलेट मग है, जो कि स्पेशली USA में लास वेगास एक प्लेस है, जब आप लोग सभी जानते हैं वहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट, बियर बार्स और ये सब चीज़ हैं जी। सो वहाँ पे लोग इसको बियर पीने के लिए यूज़ करते हैं पार्टीज वार्टीज में। अच्छा। तो इसको बियर मग भी आप कह सकते हैं। लोगों का दिमाग ऐसी ऐसी जगह पे चलता है ना, मतलब काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं यहाँ पे। आपको ये सब कलेक्ट करने में कितना टाइम लगा, बिकॉज ये कुछ चीज़ें US से आ रही है, कुछ यूरोप से आ रही है, तो सर ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का मतलब सब्जेक्ट था। जब हाँ जब डॉक्टर पाठक जी ने सोचा ये म्यूजियम को करने के लिए, तो उससे पहले हम लोगों ने रिसर्च भी किया इधर उधर, स्टिल ये अभी भी रिसर्च चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, क्योंकि टॉयलेट और भी हैं जो हम लोग आपको यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कुछ, तो और भी नए नए मॉडल हैं जो हम लोग यहाँ पे। और ये एक टॉयलेट अचीवमेंट के बाद बताऊँगा कि सुलभ के द्वारा एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स ताजमहल में बनाया गया है, जिसको एक सर्वे हुआ था हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा, जिसको सेकंड बेस्ट अवार्ड मिला है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आप देखेंगे ये जो हाईलाइटेड है वो सुलभ के द्वारा ही टॉयलेट बनाया गया। सुलभ सिर्फ नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल भी है। मैं एक ये मॉडल टॉयलेट कॉम्प्लेक्स मॉडल दिखाना चाहूँगा जो कि अफगानिस्तान कांधार में है। क्लाइंट इसलिए किया है, उन्होंने भी रिसर्च किया कि इस जब पाया कि जब ऐसे हम लोग बैठते हैं तो वो बेस्ट पोजीशन मानी जाती है फॉर स्क्वाइटिंग कंडीशन, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होती जैसे बता रहे हैं। और दूसरा चीज़, इस पोजीशन में आप काफ़ी समय तक बैठ भी सकते हैं। तो अगर आपके घर में इस तरह का टॉयलेट है जो स्क्वाइटिंग टॉयलेट, तो आप उसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं।
तो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। ये भी एक टॉयलेट है जिसको सोलर टॉयलेट या कंपोस्टिंग टॉयलेट कहते हैं। अब इसको कंपोस्ट इसलिए कहा जाता है कि हम इसमें हमारा जो वेस्ट होता है वो कंपोस्ट बन जाता है, मैन्योर बन जाता है। अब कैसे बनता है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि ये आपका टॉयलेट है, आपने डेफिकेट किया, डेफिकेट करने के बाद आप इसको पुल कीजिए, वेस्ट आपका नीचे ट्रे में आ जाएगा और इसको बंद कर दीजिए। और जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारा जो वेस्ट है उसमें 90-95% क्या होता है, पानी। अधिकांश भाग पानी ही होता है, ओनली 5-10% जो होता है वो सॉलिड पार्ट रहता है। तो जब यहाँ से ट्रे से आप वेस्ट निकाल दिए और सनलाइट में रख दिए तो विद इन वन मंथ क्या होगा, आपका वेस्ट इस तरह से आपका ड्राई और कंपोस्ट बन जाएगा। तो स्मेललेस है, बैक्टीरिया फ्री है, पानी ही नहीं रहेगा तो आपका कुछ इसमें डेवलप भी नहीं होगा। तो इसको आप ग्राइंड करके प्लांटेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये किसी का वेस्ट था, को लगेगा कि ये बेसिकली प्रिंटर टाइप का है। लोग आते हैं तो काफ़ी लोग बोलते हैं ये तो प्रिंटर है। मैंने बोला आप इसको खोलिए, आप जानेंगे कि ये टॉयलेट है। तो ये बेसिकली आपका ट्रैवलिंग है, गाड़ी में जा रहे हैं, सफ़र में है, आप अपने साथ ले जाइए कैरी करके। इसको आप बाहर में नहीं जाना पड़ेगा, वेस्ट यहाँ कंटेनर में इकट्ठा होगा, फिर जहाँ कहीं होटल में पहुँच रहे हैं तो डिस्पोज कर दीजिए। और टोटो जो है विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है जो टॉयलेट शीट बनाती है। सो ये सिर्फ ऊपर का माउंट है, किसी वेस्टर्न सीट पर आप फिक्स कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ये। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, मीन्स कब्ज की बीमारी है, तो आप यहाँ बटन दबाइए, ये नीचे से वार्म होके वाइब्रेट करेगा और मसाज करेगा, आपके कब्ज को भी ठीक करेगा। अगर आपको गाने सुनने का शौक है तो आप म्यूजिक भी चला सकते हैं टू हाइड योर डिफरेंट साउंड्स ड्यूरिंग डेफिकेशन। अगर आपको अपना ग्लूकोज, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर चेक करना है वो भी कर सकते हैं। अच्छा, तो आप एक टॉयलेट में अपना काफी समय व्यतीत कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टॉयलेट करते हुए ना गाने सुनने की आदत होती है, होंगे पता नहीं है कुछ, अब आप कमेंट ना करो शायद, तो वीडियो को लाइक कर देना, मुझे पता चल जाएगा। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट थेरेपी है जो कि सभी वर्ग के लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट रखता है। तो ये थेरेपी का नाम बोलते हैं सूचोक थेरेपी, जो डॉक्टर सर पार्क ऑफ कोरिया के द्वारा इन्वेंट की गई है। सो इस थेरेपी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो कॉल ऑफ नेचर, अचानक प्रेशर कभी भी किसी के साथ आ सकता है, चाहे बच्चे हों, जवान हों या बुजुर्ग, मीटिंग में हो, सेमिनार्स में या मार्केट में, अब प्रेशर आ रहा है बट जा नहीं सकते हैं, इस तरह का सिचुएशन हर किसी के साथ आता है। नेचर्स कॉल, ये इसीलिए बोला जाता है, सही बोला आपने। तो इस नेचर कॉल को हम कैसे कंट्रोल करें वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। नेचर ने तो आपको कॉल दे दिया, बट हम उस कॉल को कैसे आप डाइवर्ट कर दें उसको, ये हम बताएंगे। अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी बिजी हूँ मैं, अभी 10 मिनट बाद कॉल बैक करता हूँ। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, अपना उल्टा हाथ या सीधा हाथ ले लीजिएगा, ठीक है, कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट हो, पेन या पेंसिल ले लीजिएगा, और यहाँ से सेंटर से इस तरह से डॉट डॉट करके आप ये डायग्राम अपने लेफ्ट हैंड पे कंटिन्यूसली 4-5 बार ड्रॉ कीजिएगा। तो जब ये डायग्राम आप 4-5 बार बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रेशर कम हो जाएगा, आप अपने प्रेशर पे कॉल ऑफ नेचर पे, नेचर कॉल पे कंट्रोल कर सकते हैं या डाइवर्ट कर सकते हैं कुछ समय के लिए। तो आधे घंटे से 1 घंटे तक आप अपने प्रेशर पे कंट्रोल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ ध्यान से ये थेरेपी अपनाइएगा, अगर गलती से आपने सीधा कर दिया तो तुरंत भागना पड़ेगा, हाँ इंक्रीज कर देता है। तो इसका ध्यान रखिएगा, गलत भी हो जाता है। ये था पार्ट वन ऑफ द सुलभ म्यूजियम वीडियो। एक्चुअली क्या था, ये वीडियो में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं आपको बहुत सारे और उल्टे सीधे टॉयलेट सिखाने वाला हूँ। अगले पार्ट में मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कैसे जो हम लोग टॉयलेट यूज़ करते हैं उससे बायोगैस बनता है, उससे आप एनर्जी बना सकते हो, उससे खाना बना सकते हो, उससे आप वाटर, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और पार्ट टू में बहुत सारी चीज़ें आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कैसे आप अपना खुद का टॉयलेट बना सकते हो। आप मुझे कॉमेंट करके बताओ कि आपने आज तक सबसे उल्टा सीधा कौन सा टॉयलेट यूज़ किया। वीडियो को आपने लाइक नहीं करा तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तन्मय फ्रॉम ट्रैवलिंग पाजी अभी निकलता हूँ किसी और बढ़िया सी जगह पे घूमने आपके लिए, और आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एंजॉयिंग एंड कीप ट्रैवलिंग, बाय बाय नाउ।